एवरीवन, मी मोनिका, होप यू ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीएसएजी क्लासेस विद मोनिका। तो आज की इस वीडियो में जो है हम जो हमारा बॉटनी का सब्जेक्ट है उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन के द्वारा जो है हम स्टडी करेंगे। तो आपका जो पेपर ये हेल्ड हुआ है प्रीवियस ईयर 2021 में, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टर्म्स, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो टोटल कंटेन करता है 10 मार्क्स, हर क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का है, ठीक है, और चार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो टोटल जो है ये 10 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट ऑफ पाइनस के बारे में, फ्लैजेला एंड पिलाई के बारे में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में। जो आपका इसमें जो है सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने जो है ऑलरेडी इस पे जो है वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाकर जो है देख सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो उस वीडियो में जाकर जो है मैंने लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इन तीन के बारे में। सो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, लॉन्ग शूट ऑफ पाइनस एंड द ड्वार्फ शूट ऑफ पाइनस, ठीक है। इसमें जो है डिफरेंशिएट हम देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो लॉन्ग मतलब कि लंबे एंड शूट मतलब कि स्टेम के, पाइनस के अंदर जो है लंबे शूट के बारे में, लंबे स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहीं जो है ड्वार्फ का मतलब होता है बोने स्टेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है डिफरेंस। तो जो लॉन्ग शूट पाइनस होता है उनकी जो है अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, पहला पॉइंट जो है उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है, इसीलिए जो है इनका नाम भी जो है नाम से पता चल रहा है लॉन्ग शूट पाइनस, जो लंबे लंबी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। जो शूट जो होते हैं, जो स्टेम जो होती हैं पाइनस की, वो लंबी होती हैं और वो जो है अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। वहीं ड्वार्फ देखें, ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट यानी कि बोनी। तो ये जो होते हैं दे हैव लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, उनकी जो है लिमिटेड ग्रोथ होती है यानी कि उनकी छोटी ग्रोथ होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बताया कि है, दे बियर एपिकल बड, यानी कि ये जो एपिकल बड जो है उसको कंटेन करता है, उसको जो है बियर करता है, ठीक है, जो एपिकल यानी कि ऊपर की तरफ जो है बड बनने स्टार्ट हो जाते हैं लॉन्ग शूट शूट में, ठीक है। और वहीं अगर हम ड्वार्फ शूट की बात करें तो दे डू नॉट कंटेन एनी एपिकल बड, उसके पास जो है कोई एपिकल बड नहीं होता, कोई जो है एपिकल बड की फॉर्मेशन जो है ड्वार्फ शूट के ऊपर नहीं होती, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इट ग्रो विद मैनी स्केली लीव्स, जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे स्केल्स बने होते हैं, ठीक है, लाइनें बनी होती हैं, तो वो ग्रो करता है विद मैनी स्केली लीव्स। और वहीं अगर हम ड्वार्फ शूट की बात करें तो इसमें क्या है, दे अराइज ऑन दी लॉन्ग शूट, ठीक है, जहाँ पर लॉन्ग शूट होगा ना, ये देखो लॉन्ग शूट है, वहीं पर जो है आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं ड्वार्फ शूट की जो है वो ड्वार्फ शूट जो है अराइज हो रहा है, ठीक है। और इसके जो होता है शूट इन दी एक्सिल ऑफ द स्केली लीव्स, यानी कि जो है स्केली लीव्स के जस्ट जो है एक्सिस से जो है ये अराइज होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है तीन पॉइंट्स हैं जो कि मेन पॉइंट्स हैं इसके, लॉन्ग शूट पाइनस के, ड्वार्फ शूट पाइनस के। अगला जो डिफ्रेंसीशन है वो पूछा गया है फ्लैजीला और पिलाई के बारे में। सो तो फ्लैजेला और पिलाए में यहाँ क्या बताया गया है कि इसके जो है हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले। जो फ्लैजेला है वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेमी रिजिड होते हैं यानी कठोर होते हैं, हेलिकल होते हैं यानी कि घुमावदार होते हैं, होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जो बीच में से खाली होता है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस, ठीक है, और सेल सरफेस से जो है ये अपने आप को एक्सटेंड करता जाता है, जो कि थोड़े इस तरीके से लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं। वहीं हम पिलाई की बात कर लें तो वो जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं सेल सरफेस से, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं और ये स्ट्रेट नहीं होते, यानी कि ये हेलिकल होते हैं, घुमावदार होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पिलाई की तो ये थोड़े शॉर्ट होते हैं, ठीक है, फ्लैजेला से ये अगर कंपेयर करें तो ये छोटे होते हैं, पतले होते हैं और ये स्ट्रेट होते हैं,
ठीक है। वहीं नंबर की हम बात करें अगर जो फ्लैजिला है वो लेस देन पिलाई होते हैं, यानी कि पिलाई का नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैजिला। ये इसका नंबर जो होता है वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि कम नंबर होते हैं। और अगर वहीं पिलाई की बात करें तो वो उसकी जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बॉडी पर जो है काफ़ी जगह पर फैले होते हैं, ठीक है। और अरेंजमेंट देखें अगर हम, वो पॉलर भी हो सकते हैं, लेटरल भी हो सकते हैं एंड पेरिट्राइकस भी हो सकते हैं। पेरिट्राइकस यानी कि वो जो है थ्रू आउट बॉडी पर जो है फैले हुए भी हो सकते हैं। वहीं पिलाई की बात करें तो ये जो है पूरे सरफेस पे, जो सेल का सरफेस होता है वहाँ पर फैले होते हैं। अगली हम बात करें कि यहाँ ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो फ्लैजिला और पिलाई है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो फ्लैजिला की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ये पाए जाते हैं। वहीं पिलाई की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर हम बात करें तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से ये बना होता है। फ्लैजिला नाम से ही पता चल रहा है, फ्लैजिला जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है, और वहीं पिलाई जो है पायलिन प्रोटीन से बना है। मेन इनका फंक्शन क्या होता है, फ्लैजिला के द्वारा जो है लोकोमोशन हो सकती है, यानी कि मूवमेंट हो सकती है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है बैक्टीरिया वो मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। वहीं अगर पिलाई की बात करें तो ये एडिशन के लिए काम आता है, यानी कि किसी जगह पर चिपकने के लिए जो है ये काम आता है, ठीक है। और अगर हम इसके हेल्प्स इन जंक्शन की, जंक्शन में हेल्प करता है या नहीं, तो फ्लैजिला जो है जंक्शन में हेल्प नहीं करता, वहीं जो पिलाई जो है जंक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन फ्लैजिला एंड पिलाई। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वहीं जिम्नोस्पर्म जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते। और जो सीड्स होते हैं एंजियोस्पर्म के वो इनक्लोज होते हैं इनसाइड एन ओवरी दैट मैच्योर टू फॉर्म अ फ्रूट। वो जो उसके सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर जो है इनक्लोज रहते हैं, और फर्दर जो है जब वो मैच्योर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द फ्रूट्स। अगर वहीं पर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के, जो सीड्स जो है आर एक्सपोज एंड माइट बी प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ कॉर्न्स, कॉर्न्स की फॉर्म में जो है जो सीड है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो देयर स्टेम इज़ मेड अप ऑफ हार्डवुड, हार्डवुड से जो स्टेम होती है वो हार्डवुड की बनी होती है। वहीं जो है स्टेम देख ली जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म की जो स्टेम होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म के लीव्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं और चपटे होते हैं। वहीं जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक और स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। उनके जो है नीडल थोड़े जो है पैने जिसे कहते हैं, जो तीखे होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी तीखे होते हैं और स्केली होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो जाइलम फॉर्म वेसल इन एंजियोस्पर्म, जाइलम जो है वेसल फॉर्म करते हैं, ठीक है। और अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जाइलम डज नॉट फॉर्म वेसल इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस वेदर बोथ मेल एंड गेमेट्स आर फंक्शनल। एंजियोस्पर्म में जो है डबल फर्टिलाइजेशन होगी, और जहाँ पर जो है बोथ मेल और फीमेल गेमेट जो है अपना काम करेगा। और वहीं जो जिम्नोस्पर्म देख लिए, ओनली वन टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एक फर्टिलाइजेशन जो है वहाँ पर होती है, और सिर्फ जो है मेल गेमेट ही जो है वो फंक्शनल होता है। जिम्नोस्पर्म में जो है फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, और जो एंजियोस्पर्म में फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, वहीं जिम्नोस्पर्म में जो है फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दीज आर मोस्टली सीजनल। ये ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है वो सीजनल होते हैं, सम माइट बी पेरिनियल एंड बाइनियल। वहीं जो है हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर एवरग्रीन प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें एंजियोस्पर्म का, डैट इज़ मस्टर्ड, रोज, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा, और यहाँ जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग शूट, ड्वार्फ शूट ऑफ पाइनस, फ्लैजिला एंड पिलाइन, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये समझ आ गई होगी। तो ये वाला जो है आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।